प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने अपने जन्मदिन पर 5600 वृक्ष लगाए और उन्होंने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर होल्डिंग गुलदस्ते एवं माला के स्थान पर वृक्ष लगाएं। मुख्यमंत्री के मंशानुरूप शैलेंद्र शर्मा श्रीराम वन श्रीराम आस्था मिशन फाउंडेशन के साथ जन सहयोग से लगाएंगे। उक्त 5600 वृक्ष 7 दिवस में लगाए जाएंगे। यह वृक्ष 3 माह में 15 से 20 फुट ऊंचाई प्राप्त करेंगे। उल्लेखनीय है कि यह नई उन्नत तकनीक है। यह सघन श्रीराम वन भदभदा विश्राम घाट स्थित कामधेनु गौशाला में लगाएंगे। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 1001 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। आज आपने जो वृक्षारोपण का जो संकल्प लिया और कल सीएम साहब के जन्मदिन पर भी आप वृक्षारोपण करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी सर। पर्यावरण के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सारे युवा मेरे आसपास हैं, ये संदेश इनको खुद अपने आप मिला हुआ है, ये सब यहाँ पर आ गए। संदेश तो जैसी कोई चीज नहीं है, संदेश हम क्या देंगे, संदेश तो हमारा नेतृत्व देता है, उनके कृत्य देते हैं, उनके निर्णय देते हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने जो एक संकल्प लिया था, उस संकल्प से पिछले एक वर्ष से वो प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का संकल्प उन्होंने लिया और वो जीवन भर करने वाले उनके उस संकल्प से हमको संदेश मिला। वो संदेश के आधार पर हम सघन वन लगा सकते थे, लगाए। आज 4-5 मेरा जन्मदिन है तो आज इसको प्रारंभ किया है। यहाँ पर हम लगभग 5600 पेड़ लगाने वाले आने वाले समय पर, और एक सघन वन होगा और बाकी जितने मेरे छोटे भाई युवा साथी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शुभचिंतक हैं, परिवार के लोग हैं, मित्रगण हैं, उन सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अवसर पेड़ लगाना मतलब धरती माता और पर्यावरण को कुछ वापस करना, कुछ ऋण चुकाना, थोड़ा सा ऋण है हमारे ऊपर। हम जीवन भर पृथ्वी से लेते हैं, धरती से लेते हैं, पर्यावरण से लेते हैं, कुछ थोड़ा सा वापस करते हैं। सर, आपने अपने जन्मदिन पर निर्णय ये भी लिया है कि गुलदस्ता और होर्डिंग बैनर न लगाएं, पौधे ही लगाएं। पौधों का गुलदस्ता हो सकता है, एक पेड़ लगाया और एक फूल 4 फूलों का गुलदस्ता दिया, कौन सी चीज़ ज़्यादा बहुमूल्य है बताइए? पेड़ ज़्यादा बहुमूल्य है ना, और जीवन भर रहेगा संदीप से। तो गुलदस्ता तो 2 दिन बाद मेरे घर में सूख जाएगा, मैं उसको कहीं ना कहीं हाथ के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन पेड़ जीवन भर रहेगा, उससे बहुमूल्य कुछ गुलदस्ता हो नहीं सकता। इस पृथ्वी को पेड़ों के गुलदस्ते से सजाएगा।